एक बार फिर क्यों हुई रश्मि ट्रोल्स का शिकार? क्या रश्मि देसाई ने सिडनास फैंस की लगाई जमकर क्लास? वेल, आखिर क्यों आया रश्मि को इतना गुस्सा, आइए जानते हैं। बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी रश्मि देसाई इंडस्ट्री की उन अदाकारों में से एक है जो सोशल मीडिया पर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाती हैं। रश्मि देसाई के बेबाक बयान कई बार सिडनास फैंस को पसंद नहीं आते हैं, जिसके बाद लोग रश्मि देसाई को बुरा भला कहने लगते हैं। फैंस के गुस्से के चलते रश्मि देसाई अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। इन दिनों रश्मि देसाई सिडनास के फैंस के निशाने पर आ चुकी हैं। बीते कुछ दिनों से रश्मि देसाई बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच रश्मि देसाई ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रश्मि देसाई ने ट्विटर पर लिखा, एक हद में रहकर किसी का मजाक बनाना चाहिए। ट्रोलिंग की भी एक सीमा होती है। शायद मजाक बनाते हुए आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन सच तो ये है कि ट्रोलिंग के जरिए आप किसी का दिल दुखाते हो। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरे प्रोफाइल चेक करना बंद कर दीजिए। मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो और दूसरों को भी चैन से जीने दो। आपको बता दे, बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने के बाद से टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की फैन फॉलोइंग में काफी इजाफा हुआ है। जहां एक तरफ लाखों लोग रश्मि देसाई पर अपना जान छिड़कते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीवी के इस अदाकारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि बिग बॉस 13 के घर से बाहर निकलने के बाद भी रश्मि देसाई को कभी कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रश्मि देसाई को ट्रोलिंग के चलते कई यूजर्स को ब्लॉक तक करना पड़ा है। वेल, आप कितने सहमत हैं रश्मि के पोस्ट से? हमें दीजिए अपनी राय, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें चली मसाला।